सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश विद जिंदल सर चैनल को और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जिंदल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद जिंदल सर पर। इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट सेकेंड के पार्ट फर्स्ट के MCQs को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, और आज इस वीडियो में हम उसी के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। 27 क्वेश्चंस को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। इनमें से लर्निंग का प्रोडक्ट क्या नहीं है, यानी कि लर्निंग से क्या हमको आउटपुट नहीं मिलता है। तो ऑप्शन है नॉलेज, बिल्कुल लर्निंग से आपको नॉलेज मिलती है। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मिलता है। एटीट्यूड, लर्निंग जब आप करते हैं तो आपके अंदर एटीट्यूड आता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है चेंज होता है। मैच्योरेशन, मैच्योरिटी आना, तो मैच्योरिटी जो है वो हमारी एज के साथ साथ आती है, लर्निंग से नहीं आती है। तो यहीं पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैच्योरेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट के नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। सोशल डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है एक एडोलसेंस में इनमें से। तो ऑप्शन है एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप, वो अपने पीयर ग्रुप में यानी अपनी फ्रेंड सर्कल में क्या होते हैं, एक्टिव मेंबर होते हैं, सही बात है। अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स, अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स के प्रति, फीमेल का मेल का, मेल के प्रति और मेल का फीमेल के प्रति। हाई डिक्रीज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज होता है, बहुत ही ज़्यादा कमी होती है किसमें, फ्रेंडली रिलेशनशिप में। और फोर्थ है एक्सटेंशन ऑफ सोशल इंटरेस्ट, और सोशल इंटरेस्ट में रुचि का बढ़ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सी वो है हमारा गलत, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि जब हम पीयर ग्रुप में उनका एक्टिव रोल देख रहे हैं तो उनकी जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है वो कमज़ोर नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नेगेटिव इमोशन। इनमें से नेगेटिव इमोशन क्या है, जॉय, एन्जाइटी, होप, अचीवमेंट। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं एन्जाइटी जो है वो क्या है, नेगेटिव इमोशन है। इफ़ एडोलसेंट लर्नर्स आर एक्सपोज टू फ्रीक्वेंट रिजेक्शन बाई पेरेंट्स एंड टीचर्स, इट लीड्स टू, यदि एडोलसेंट लर्नर्स जो हैं उनसे एक्सपोज आर एक्सपोज टू फ्रीक्वेंट रिजेक्शन, उनसे लगातार रिजेक्शन जो है उन पर थोपा जाता है बाई पेरेंट्स, पेरेंट्स के द्वारा एंड टीचर्स, तो वह उनको कहाँ ले जाता है, इन्फीरियरिटी फीलिंग्स, ब्रेन डिसऑर्डर्स, फीलिंग ऑफ फियर, मेंटल रिटार्डेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है इन्फीरियरिटी फीलिंग्स, क्योंकि वो अपने आप को और लोगों से क्या समझने लगता है, अलग समझने लग जाता है जब उसके पेरेंट्स और टीचर उसके साथ भेदभाव करते हैं, तो उसे लगता है कि वो उस काम के लायक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉपरेट द एडोलसेंट इज इट इज़ एसेंशियल। एडोलसेंट को कॉपरेट करने के लिए क्या एसेंशियल है, का आवश्यक है, उनको इंस्पायर करना, इंडिकेट हिज मिस्टेक, उनकी मिस्टेक्स को उनको बताना, क्रिटिसाइज हिम, उनको क्रिटिसाइज करना, नेगेटिव बिहेवियर या फिर उनके प्रति नेगेटिव बिहेव करना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, उनको कॉपरेट करने के लिए क्या होगा, उनको इंस्पायर करना होगा। इंस्पायर करने से ही एक एडोलसेंस जो है वो अपनी भूमिका को, अपने रोल को अच्छे से प्ले कर पाएगा, अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन ऑफ सोशल बिहेवियर कैन बी अरेंज। सोशल बिहेवियर की जो एजुकेशन है उसको अरेंज किया जा सकता है, कैसे, थ्रू करिकुलम, थ्रू सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, थ्रू डिसिप्लिन प्रोसेस, थ्रू क्लासरूम टीचिंग। अब देखिए क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो एजुकेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर के एजुकेशन को कैसे दिया जा सकता है, तो वहाँ करिकुलम जो है वो हमको सोशली नहीं बना सकता, डिसिप्लिन सोशली नहीं बना सकते, क्लासरूम टीचिंग सोशल नहीं बना सकती। तो वो क्या होता है, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनसे हम सोशल बिहेवियर की जो एजुकेशन है उसको अरेंज कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्रूनर आइडेंटिफाइड थ्री मेजर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज, करेक्ट ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट ऑर्डर क्या है इसमें, सिंबॉलिक, इनएक्टिव, आइकॉनिक, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक, आइकॉनिक, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, इनएक्टिव। तो बताइए हमने पढ़ा था कौन कौन से थे, पहला था इनएक्टिव, दूसरा था आइकॉनिक और तीसरा था सिंबॉलिक। तो सीक्वेंस में जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया यहाँ तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेज इन कोलवर्क थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोलवर्क की थ्योरी पढ़ी थी हमने मोरल डेवलपमेंट की, उसमें से इनमें से कौन सी स्टेज है? कन्वेंशनल मोरलिटी, सेंसरी मोटर, रिफ्लेक्टिव मोरलिटी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? कन्वेंशनल। हमने पढ़ा था कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। कोलवर्क की थ्योरी पढ़ी थी जिसमें हमने इनके दो दो पार्ट्स थे अलग अलग, उनको पढ़ा था, तो वही यहाँ पर थ्योरी है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? कन्वेंशनल मोरलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट्स। इसमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें एडोलसेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? डे ड्रीमिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स, रिवोल्ट फीलिंग, रीजनिंग, एक्यूजिसनेस, इमिटेशन, क्यूरियोसिटी, मेल एडजस्टमेंट, स्ट्री फ्री, सेक्स अर्ज, टॉलरेंस, ओबीडियंस। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, एडोलसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है, तो वो डे ड्रीमिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स एंड रिवोल्ट फीलिंग, ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? डेवलपमेंट इज स्पायरल एंड नॉट लीनियर। यानी कि जब मैंने डेवलपमेंट पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था डेवलपमेंट कैसा होता है, स्पायरल होता है। स्पायरल का मतलब इस तरह से चलने वाला और लीनियर का मतलब इस तरह से, तो स्पायरल होता है, नॉट लीनियर, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म। जो डेवलपमेंट की रेट है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि एक जैसी है, बदलती नहीं है। ये ही यहाँ पर हमारा क्या है, गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो डेवलपमेंट की रेट है वो कम ज़्यादा हो सकती है, कभी बहुत तेज़ हो सकती है, कभी बहुत स्लो हो सकती है। डेवलपमेंट इज सेफलोकॉर्डल, डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल, तो दोनों ये ऑप्शन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा, जो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दी सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट किधर से किधर की ओर चलता है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा है, हेड से फीट की तरफ, तो कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए, राइट टू लेफ्ट, फीट टू हेड, यानी पैर से हेड की तरफ, लेफ्ट टू राइट, या हेड टू फीट, तो सिर से पैर की तरफ, तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, डी, हेड टू फीट। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर टू देयर पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप में कौन सी स्टेज में वो एक्टिव मेंबर बनते हैं? एडल्टहुड, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अर्ली चाइल्डहुड। तो आंसर क्या होगा इसमें, पीयर ग्रुप में एक्टिव मेंबर बनना उनका स्टार्ट होता है किसमें, चाइल्डहुड में, और एडोलसेंस में ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट किसमें होता है, ये चाइल्डहुड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल इन कोलवर्क्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोलवर्क की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, इनमें से उसका कौन सा लेवल नहीं है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, सेंसरी मोटर, पोस्ट कन्वेंशनल। तो अभी ये क्वेश्चन आया था वहाँ मैंने बताया था, प्री कन्वेंशनल होता है, कन्वेंशनल होता है, पोस्ट कन्वेंशनल होता है, सेंसरी मोटर नहीं होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एट वॉट एज रेंज द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल अटेन्स फुल मैच्योरिटी। किस एज पर मेंटल डेवलपमेंट जो है वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, बताइए कौन सा है, 5 से 6 साल की, 10 से 15, 15 से 25, 40 से 60। तो जो फुल मैच्योरिटी है वो एडोलसेंस में आती है, और एडोलसेंस वाली जो एज है वो है 15 to 25 years की। इसमें वो क्या होता है, सब उनकी जो फुल मैच्योरिटी है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट्स इन। लॉजिकल थिंकिंग कौन सी स्टेज में स्टार्ट होती है, तो मैंने आपको बताया था कौन सी होती है, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल। तो लॉजिकल थिंकिंग कहाँ पर होगी बताइए, आपको याद हो जब हमने इस थ्योरी के बारे में बात की थी तब हमने बताया था कि कुछ ब्लॉक्स वगैरह हमने वहाँ पर डिसाइड किए थे, तो वहाँ पर जो बच्चे थे उसको सही से पहचान नहीं पा रहे थे, उनको लगता था कि जब भी हम किसी लाइन को या किसी बॉक्स को छोटा बड़ा करके भी उनको देते थे तो वहाँ पर भी वो सारी चीज़ों में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते थे। तो लॉजिकल थिंकिंग जो थी उनकी थर्ड स्टेज, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज थी, इसमें स्टार्ट होती है। ठीक है, किसमें आ गई, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। नेक्स्ट है, मेंटल डेवलपमेंट डज नॉट रेफर टू। मेंटल डेवलपमेंट जो है वो किस चीज़ को रेफर नहीं करता है, मेंटल डेवलपमेंट यानी कि ब्रेन का डेवलपमेंट। अब ब्रेन से रिलेटेड क्या नहीं है, देखिए, एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज़ को समझने की एबिलिटी होना, तो ये भी हमारा मेंटल डेवलपमेंट में आता है। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी का डेवलपमेंट यानी याददाश्त, रीजनिंग एंड जजमेंट, तर्क वितर्क करना, न्याय लेने की जो पावर होती है, एबिलिटी होती है। तो नॉट रेफर पूछा गया है, तो यहाँ पर तीनों रेफर हो रहे हैं, तो चौथा ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव आर रेफर, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है,
नेक्स्ट है अ टीचर विद द नॉलेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर कैन नॉट प्लान। ये हमारा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मेंटल डेवलपमेंट की नॉलेज रखने वाला जो टीचर है वो लर्नर के लिए क्या प्लान नहीं कर सकता। करिकुलम टीचिंग मेथड हाइट ऑफ लर्नर ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर क्या है हाइट ऑफ द लर्नर, ठीक है, किसी की हाइट को वो प्लान नहीं कर सकता कि 6 फिट का होगा या 7 फिट का होगा। स्पेसिफिक कैपेसिटी टू डू ए टास्क वेल इज नोन एज, किसी भी टास्क को करने की जो विशेष कैपेसिटी होती है उसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट एटीट्यूड एप्टीट्यूड नन। तो मैंने आपको बताया था एटीट्यूड जो होता है ये होता है एक्वायर्ड, ठीक है, इसको एक्वायर करते हैं, एटीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एप्टीट्यूड क्या है, ये इननेट होता है, जन्मजात होता है, किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है, तो एप्टीट्यूड इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज डेवलप, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि थर्ड स्टेज है ये, थर्ड स्टेज कौन सी एज में डेवलप होती है, 7 to 11, 11 to adulthood, फ्रॉम बर्थ टू 2 years, नन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, फ्रॉम 7 to 11 years, ठीक है। नेक्स्ट है मेक प्ले बिलीव एंड फेरी टेल वर्ल्ड आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच एज अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे के अकॉर्डिंग मेक प्ले बिलीव और फेरी टेल वर्ल्ड जो हैं ये कौन सी एज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल स्टेज इनफॉर्मल ऑपरेशन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, बताइए कौन सा है। तो ये आंसर है किसके, प्री ऑपरेशनल स्टेज के। यहाँ पर बच्चों में क्या होता है, चीज़ों को देख करके उनमें अपना एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, फेरी टेल वर्ल्ड उनका होता है, यानी कि एक तरह से परियों वाली जो उनकी एज होती है, परियों की कहानियों वाली, ठीक है। नेक्स्ट है मोरेलिटी प्रिंसिपल इज नोन एज, मोरेलिटी प्रिंसिपल कौन से इस टर्म में देखा जाएगा, इड ईगो सुपर ईगो नन, तो मोरेलिटी किस में होता है, सुपर ईगो में, तो सही आंसर क्या होगा, सुपर ईगो। डेविल इन मैन फाउंड इन, डेविल इन मैन कौन से टर्म में देखा जाएगा, इड ईगो सुपर ईगो इड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इरोजिनियस जोन, इरोजिनियस जोन से आपका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, क्या मीन है, ब्रेन्स अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, ब्रेन की समझने की एबिलिटी, पार्ट ऑफ बॉडी प्रोवाइडिंग सेटिस्फेक्शन, बॉडी का वो पार्ट जो उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, फिजिकल डेवलपमेंट नन। तो यहाँ पर इरोजिनियस जोन का मतलब क्या है, पार्ट ऑफ बॉडी प्रोवाइडिंग सेटिस्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ इंस्टिंक्ट्स आर नोन एज, लाइफ इंस्टिंक्ट्स को किस नाम से जाना जाता है, लिबिडो इरोज थैनोट्स नन, तो लाइफ इंस्टिंक्ट जो है उनको किस नाम से जाना जाता है, इरोज के नाम से जाना जाता है, तो ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, आई होप आपको सभी समझ में आ गए होंगे, थ्योरीज को आपने अच्छे से डिस्कस कर लिया होगा, समझ लिया होगा, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू।